हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस में। क्या पढ़ रहे हैं अपन, आपको सबको अब ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम नियमित रूप से ये जो आपका समय है डेली एक घंटा 100 नंबर पक्के वाली जो टेस्ट सीरीज हमने आपकी चला रखी है क्लास 12th अकाउंट्स के लिए, उसी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग हम डेली आपको एक टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं। आप लिंक के थ्रू या डायरेक्ट ऐप पे जाकर उस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, अपने मार्क्स को सिक्योर करते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन तैयारी के लिए एक डेली अपनी प्रैक्टिस करते हैं। डेली नियमित रूप से आप घर पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं और उसी तैयारी का आप एक एनालाइज करते हैं। डेली आधा घंटा आप टेस्ट देने में लगाते हैं और उसके बाद आप एक घंटा मेरे को यहां पर देते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स को मैं यहां पर सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं। हमारा ये नियमित प्रयास है कि आपका स्कोर सबसे अच्छा होना चाहिए। जो बच्चे कनेक्टेड है सभी बच्चे एक बहुत अच्छा स्कोर करें, बहुत अच्छे अपने बोर्ड एग्जाम में तैयारी करें और साथ ही साथ ये बेटा प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम में तो काम आनी है, आगे आप जब CA फाउंडेशन की तैयारी करेंगे वहां भी ये प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छी और बहुत मददगार आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम नियमित रूप से जो क्वेश्चंस लेते हैं डेली क्लास के एंड में हम विनर्स को भी अनाउंस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, आज की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने जो बच्चे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए फटाफट से कनेक्ट हो जाएं और वीडियो लाइक कर दो बेटा, एनर्जी मुझे मिलती रहेगी आपके वीडियो लाइक करने से। और ऐसा कोई भी अगर अभी तक है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी क्या कर लें बेटा, आप लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को आपके साथियों के साथ भी हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है पहला क्वेश्चन, एनपीओ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे कि पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहली बात तो कि भैया ये ऑनोरेरियम होता क्या है। क्या आता है सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनोरेरियम। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, अगर हम बात करें ऑनोरेरियम की तो ऑनोरेरियम का मतलब क्या है वो समझो। ऑनोरेरियम क्या होता है, पहली बात तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑनोरेरियम, तो उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। ऑनोरेरियम क्या है कि देखो एक संस्था है, ये संस्था है, संस्था में कुछ इंटरनल लोग होंगे लेकिन कई बार आवश्यकता पड़ती है कि इनके अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाकर, किसी एक्सटर्नल व्यक्ति को बुलाकर कुछ काम संस्था के अंदर करवाया जाए। अब जब ये बाहरी व्यक्ति आएगा संस्था के अंदर काम करेगा तो इसको कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, तो जो पैसा हम बाहरी व्यक्ति को पे करते हैं वही पेमेंट आपका ऑनोरेरियम कहलाता है। जो पेमेंट किसी एक्सटर्नल पर्सन को पे किया जाता है दैट पेमेंट इज नोन एज ऑनोरेरियम। बात समझ में आ गई, क्या होता है ऑनोरेरियम, जो पेमेंट हम किसी एक्सटर्नल पर्सन को पे करते हैं वही पेमेंट क्या कहलाता है बेटा, ऑनोरेरियम कहलाता है। यहां तक स्पष्ट है, तो देखो क्या लिखा है कि द अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट करना जो इंस्टीट्यूशन का क्या नहीं है, एम्प्लॉय है ही नहीं, इज कॉल्ड ऑनोरेरियम एंड इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां डेबिट कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन को डेबिट किया जाता है, कौन से ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो क्वेश्चन यही तो पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो बैलेंस शीट में होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो कहां आता बेटा, ये बैलेंस शीट में आता। तो क्या है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम है नहीं, खर्चा है क्योंकि पे करना होता है तो इनकम होगा नहीं, तो नन ऑफ दीज तो है ही नहीं क्योंकि हमारे पास एक आंसर आ रहा है, क्या है वो आपका, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है भैया,
सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मेरे पास आते रहे हैं, आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के आंसर भी बिल्कुल यहां पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, अब बात करेंगे किसकी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं बेटा हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है आपका, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर टू, कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन। क्या क्वेश्चन पूछा है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए, क्या होता है भैया, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नेचर पूछा है। थोड़ी सी जानकारी देता हूं मैं आपको यहां पर समझने के लिए कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना भाई, वो एक कैशबुक की तरह होता है, केवल और केवल समरी ट्रांजेक्शन से, किसका, कैशबुक का, मतलब आपने जो कैशबुक बनाई है उन्हीं ट्रांजेक्शन को समराइज्ड वे में हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैशबुक तो कैश अकाउंट होता है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, और उसी तरह से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या है, उसी का समरी अकाउंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये इट इज ए रियल अकाउंट। दैट्स व्हाई रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। अब तो आंसर पता लग गया, हाँ भैया ऑप्शन आते रहे कंटिन्यू, अब तो हमको आंसर पता लग गया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या होगा बेटा इसका आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के जवाब बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, इट इज अ रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा ये, इट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया हुआ है आपको, चलिए सारे बच्चे फटाफट फटाफट रिप्लाई करते रहे, ये क्वेश्चन भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इट इज नॉट ए न्यू क्वेश्चन। ऑल द स्टूडेंट्स रिप्लाई, फटाफट फटाफट रिप्लाई करते रहो बेटा जल्दी से। क्या पूछा है कि ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, याद है ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, भैया अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कहां एंट्री क्या होती है उसकी, देख लो ना, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस होगा, और लॉस की कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। लॉस की सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होता है, यही तो एंट्री होती है। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्या एंट्री होती है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, पता है ये तो अपने को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब पूछा क्या है आपसे यहां पर कि कहां डेबिट होगा, पता लग गया ना, डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब भैया क्वेश्चन में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ ही नहीं है, ये भी समस्या है, क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो याद रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह कई बार उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह दिया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अभी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था, एक बार वो सारे बच्चे रिप्लाई कर दें कि हाँ भाई बात समझ में आ गई है, अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें, नहीं तो मुझे बताओ ताकि मैं दोबारा समझाऊं, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया, वो फटाफट से रिप्लाई कर दें, और जिनका सही है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ू बेटा फिर मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्या कह रहे हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करूं बेटा मैं, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे अपन, क्या दिया हुआ है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या दिया है आपको। ये मैंने पहले भी, अब से पहले वाली क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने कई बार आपको सॉल्व करवाया है, उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ गई होगी, सबको पता होगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन, भैया एडमिशन का मतलब जानते हो ना, क्या होता है एडमिशन का मतलब, रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉन्स्टिट्यूशन है क्या एडमिशन, और जनरल रिजर्व क्या है
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और आप सबको पता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ओल्ड रेशो में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं, रिवॉल्यूशन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा इसका, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया, यस और नॉट, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें बेटा, जो भी आपका आंसर है, मेरे पास सभी बच्चों के आंसर आते जा रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जवाब यहां पर बिल्कुल ठीक हैं, कुछ ही बच्चों के गलत हैं, तो जिन बच्चों के गलत हैं वो बेटा अपने आप को सही करें, अपने जवाबों को ठीक करें, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ठीक है यहां तक, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, समझो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा आपका किससे रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो इनमें से कौन सा है जो कैश इनफ्लो नहीं है, सिंपल सी बात है, डिक्रीज इन डेटर्स, देखो डेटर्स डिक्रीज कब होंगे, जब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स होगा, अब कैश रिसीव होगा तो क्या हो गया बेटा, वो इनफ्लो हो गया। दूसरा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इश्यू करेंगे तो कैश आपको रिसीव होगा, तो ये भी कैश का इनफ्लो हो गया। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कब डिक्रीज होंगे, जब हम कैश पेड करेंगे किसको, क्रेडिटर्स को, तो ये पे किया है तो पेमेंट इनफ्लो थोड़ी होगा, पेमेंट तो आउटफ्लो होगा, तो ये ऑप्शन हमारा अभी तक ठीक लग रहा है। और अगला है नन ऑफ द अबव, तो आपको पता लग गया कि क्वेश्चन नंबर 5 का है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, सारे बच्चों के जवाब मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें क्या आ रहा है, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, आपके लाइक करने से मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे दिया भैया, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, देखो ध्यान देना, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल चाहिए होता है, बैलेंस शीट चाहिए होती है, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलती है, तो ऑप्शन में देखें ये सब है क्या, देख लेते हैं एक बार अपन ऑप्शन, पढ़ा नहीं अभी तक मैंने, देखो क्या क्या है ऑप्शन में, सबसे पहले दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ये भी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये भी चाहिए, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल हमको पता लग गया कि क्वेश्चन नंबर 6 में तीनों है ऑप्शन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी और बैलेंस शीट भी है, पता लग गया ना बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। 6 क्वेश्चन हो गए बेटा आपने, 6 क्वेश्चन तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बेटा अपन, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लाई कमेंट बॉक्स में मेरे पास आते रहें, टेक्निकल एरर है, सही कर लेते हैं एक बार। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, इनमें से कौन सी स्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाता है बेटा, डेबिट किया जाता है। बताओ देखें कौन सी सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है लॉस के केस में, और लॉस कब कब होता है वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा ध्यान दें कि देखो जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी, दिया है ना यहां पर आपको, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तब तो होगा लॉस, और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बेटा वो हो जाएगा प्रॉफिट। अगर एसेट की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा लॉस, और लॉस के केस में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है डेबिट होता है। तो देखते हैं देखो ऑप्शन में क्या क्या है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, नहीं ये तो नहीं होगा, हाँ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ये भी नहीं होगा, या नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये तो फिर रिवॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है। तो अपने को पता लग गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ध्यान देंगे आप सब लोग। चलिए आगे बढ़े बेटा, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। अभी अभी तो समझा ना हमने कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटा, क्रेडिट कब होगा, देखो ये दिया हुआ है ना आपको, क्रेडिट कब होगा जब प्रॉफिट होगा, कब होगा प्रॉफिट के केस में क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, ये बात अपने को पता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है कौन से केस में बेटा, प्रॉफिट के केस में। तो प्रॉफिट कब होगा जब या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो या लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो। तो क्या पूछा है यहां पर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, हाँ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या होगी जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बात अपने को क्या आ रही है यहां पर समझ में आ जा रही है, ये बात ठीक है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ये तो लॉस हो जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ये भी लॉस हो जाएगा। तो अपने को पता लग गया बेटा कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है यहां तक। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन, चलिए क्लियर है यहां तक, हाँ भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आ रहे हैं बेटा सारे बच्चों के, बहुत बढ़िया सारे बच्चे रिप्लाई करते रहें, आप सबके जवाब मुझे मिलते जा रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, ध्यान देंगे आप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्या लिखा है बेटा इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनमें से कौन सा आइटम है जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये पीएनडीएल अकाउंट में आता है, पार्टनर सैलरी पीएनडीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये भी पीएनडीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, और पार्टनर्स कमीशन ये भी पीएनडीएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो इन सारे ऑप्शन में से केवल एक ही हमारा ऑप्शन था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। क्यों है, क्योंकि ये तीनों एप्रोप्रिएशन है, क्यों, क्योंकि ये तीनों एप्रोप्रिएशन है, और केवल एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है जो कि क्या है
चार्ज है, और चार्जेस को हम पीएनडल अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? तो इस तरह से आपको पता लग गया कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों के मेरे को रिप्लाई मिले हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां तक ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। रिप्लाई करते रहें बेटा, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से रिप्लाई करिए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए बेटा। बहुत बढ़िया, जल्दी रिप्लाई करें क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इज रेंट पेड टू ए पार्टनर इज पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्या हम पार्टनर को जो रेंट पे करते हैं क्या वो एप्रोप्रिएशन है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, रिप्लाई आ गया, लगभग लगभग सभी बच्चों के जवाब यहां तक भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, रेंट पेड टू अ पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है क्या? सोचो, सोच के जवाब दो, ऐसे नहीं, बड़ा बहुत अच्छे से सोच समझ के जवाब देंगे अपन कि हमने जो पार्टनर को रेंट पे किया है क्या वो पार्टनर्स के लिए एप्रोप्रिएशन होता है क्या? अरे जवाब दे दो भैया। हाँ, क्या होगा? बहुत बढ़िया, रिप्लाई करते रहो। एप्रोप्रिएशन होता नहीं, याद रखो केवल तीन एडजस्टमेंट बताए थे जो कि चार्ज होते हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दूसरा रेंट पेड टू पार्टनर, और तीसरा मैनेजर्स कमीशन। ये क्या होते हैं बेटा? सब क्या होते हैं भैया? ये सब होते हैं चार्ज। क्या होता है बेटा? ये सब चार्ज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल। इफ पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स कैपिटल इज मैक्सिमम, कोई मतलब नहीं है, पार्टनर से वर्किंग पार्टनर उससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है, ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज है, इट्स नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये भी देखने में पता लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां तक भी ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा है आपको? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्या मानेंगे अपन, क्या इसका आंसर होना चाहिए, रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या होता है, क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर ट्रांसफरिंग देखिए क्या लिखा है कि आफ्टर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल टू रिलेशन अकाउंट, हमने लाइबिलिटीज को क्या किया, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पेमेंट, और उनके पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा, सच लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज, तो लाइबिलिटीज को क्या माना जाएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, ये तो बताया था एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो क्या मानेंगे, भैया उनसे एक पैसा नहीं मिला, लेकिन लाइबिलिटीज के बारे में अगर इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्या माना जाएगा कि भैया हमने उनको 100% पेमेंट कर दिया है, इनको फुल्ली पेड कर दिया गया है, तो नेवर पेड गलत, फुल्ली पेड क्या माना जाएगा कि इनको फुल्ली पे कर दिया है, पार्शली पेड भी नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां तक भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, बहुत ध्यान से समझो। चलिए पहले तो मैं आपका इंतजार करता हूं, आप ही लोग मुझे इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, देखता हूं देखिए किस बच्चे को कितना पता है इसके बारे में। चलिए बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट रिप्लाई करो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 का रिप्लाई करिए फटाफट से, क्या होना चाहिए इसका आंसर,
जल्दी से रिप्लाई कर देंगे बेटा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास कमेंट बॉक्स के अंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान दीजिए क्या दिया है। When realization expenses are paid by firm, firm ने पे किया है तो हो गया भैया टू कैश अकाउंट। किसने पे किया है? अगर फर्म ने पे किया है तो क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। किसके बिहाफ पर पे किया है? ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो ये पैसा किससे लेंगे हम? पार्टनर से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू, तो कहां डेबिट किया जाएगा इनको? दीज विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म ने पे किया है पार्टनर के बिहाफ पर तो क्या आंसर होगा बेटा इसका? इसका आंसर हो जाएगा फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां पर भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारे टॉपर्स हैं आज के उनका भी ये क्वेश्चन गलत है। तो फटाफट से रिप्लाई करिए कि क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है, कि क्यों तो ये सही है और क्यों ये गलत है। बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, रिप्लाई कर दें बेटा क्या भाई आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा फिर अपन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इंक्लूड्स, बताओ भैया, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स करंट एसेट्स होती हैं क्या? कैश इन एंड स्टॉक, हाँ, ये सन्ड्री एसेट्स भी मतलब वो करंट एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना, कैश इन एंड भी हो गया, स्टॉक भी हो गया। तो हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। लगभग लगभग ये तो सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट, शुरू करें क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? ये होगा लॉस। क्या होगा भैया? ये होगा आपका लॉस। लॉसेस को हम कहां पर शो करते हैं? ये जानकारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए कि लॉसेस को हम कहां शो करते हैं बेटा। कि दो तरीके हैं इसको शो करने के, एक तो है एसेट साइड के अंदर, अदर करंट एसेट्स की तरह, लेकिन ये सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट मेन है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर नेगेटिव बैलेंस के रूप में इसको शो किया जाता है। अगर ये है तो यही तरीका है इसको शो करने का। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ठीक है लेकिन ये सेकेंडरी ऑप्शन है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ठीक है, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व सरप्लस ये ज्यादा ठीक है, अंडर द हेड रिजर्व सरप्लस इज नेगेटिव बैलेंस। तो भैया ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। पता लग गया सबको, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चलते रहे आप लोगों के, बहुत बढ़िया। जिन जिन का जवाब बिल्कुल ठीक है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड, ऐसे डिबेंचर्स जिनको कि हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? बिल्कुल, द डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज, बता दो क्या कहते हैं उनको हम? उनको कहा जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बहुत बढ़िया, तो सभी बच्चों का जवाब आ गया है बेटा, सारे बच्चे जवाब देते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सभी को, बहुत अच्छी बात है, सबका जवाब यहां तक बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी इफ एंट्री इज पास्ट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। बेटा ये तो आंसर आपको आना चाहिए, कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अगर हम डिबेंचर्स को एज ए कॉलेट्रल सिक्योरिटी इश्यू करते हैं एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत बढ़िया, सबको बिल्कुल ठीक है ये। चलिए फिर आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्या है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ए बी सी तीन पार्टनर है 2:2:1 में, ए बी और सी 2:2:1 में तीन पार्टनर है। क्या लिखा है आगे कि उसके बाद 31 मार्च 2009 को सी की डेथ हो जाती है। चलो साहब सी की डेथ हो गई 31 मार्च 2009 को, अकाउंट्स क्लोज होते हैं हर साल 31 दिसंबर को, यही लिखा है ना कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हमें 2008 की सेल दे रखी है, कितनी है 6 लाख आपको दी हुई है सेल 2008 की, और जो है 6 लाख, और इसी ईयर का आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, और प्रॉफिट कितना है बेटा 60,000। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं फिर अपन, और क्या लिखा है कि प्रॉफिट्स वर 60,000, आपको 1 जनवरी 2009 से 31 मार्च 9 तक की सेल भी दे रखी है, वो कितनी है 2 लाख सेल, 1 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2009 तक की सेल कितनी है बेटा 2 लाख। आगे क्या पूछा है आपसे, द शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अच्छा अब आपको पूछना है कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, क्या बात करें बेटा अपन, व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट इट। सबसे पहला काम होता है हमारा रेट ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट की हम रेट कैलकुलेट करें। उसका फॉर्मूला है बेटा कि प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर्स सेल इनटू 100, तो जो हो जाएगा 10%। फिर हम कैलकुलेटेंगे, कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर्स प्रॉफिट, करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तिथि तक कितना प्रॉफिट हुआ, क्या फॉर्मूला है, करंट ईयर का प्रॉफिट जो है उसको इस रेट से गुणा कर देंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख और उसका 10% जो हो गया आपका 20,000। अब इसमें डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर, क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 1/5, तो 4,000 इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां तक ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये जवाब समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, जो भी हमने आपको यहां पर बताया वो सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है
और क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं, ध्यान देंगे। क्या लिखा है कि ए बी और सी तीन पार्टनर है 2:1 में, बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, सी की डेथ हो जाती है 5 नवंबर 2013 को। बेटा बात समझना, 5 नवंबर 13 को डेथ हुई है, तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर मंथ का स्टार्टिंग डे होता या मंथ का लास्ट डे होता तो हम मंथ कैलकुलेट करते, लेकिन ये मंथ के बीच का डे है तो मंथ के बीच के दिन में हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, मंथ के बीच के दिन में, मंथ के बीच के दिन में आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ डेज। देखते हैं, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर के 5 दिन। इन सबको टोटल करेंगे तो ये होगा 219 डेज। तो हमको ये पता लग गया कि ईयर स्टार्टिंग से लेकर 219 डेज तक डिजीज्ड पार्टनर अवेलेबल रहा है। आगे बढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटर जो है उस डेथ डिजीज्ड पार्टनर का, उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2,40,000। अब आपको यह पता है कि लास्ट ईयर्स प्रॉफिट कितना है बेटा, 2,40,000, तो उसी के बेस पर करंट ईयर का प्रॉफिट कितना बनेगा, तो करंट ईयर्स प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर बनेगा। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर 2,40,000 है तो करंट ईयर में 219 डेज 365 डेज के लिए टोटल ईयर में होते हैं, तो ये हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट। अब इसमें डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ये हो जाएगा करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट जो है आपका 2,40,000 इनटू 219 अपॉन 365 और इनटू 1/5। मैं एक ना तरीका बताता हूं आपको, इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखना कि जो नंबर ऑफ डेज है ना हमेशा 73 के मल्टीपल में आएंगे। नंबर ऑफ डेज हमेशा किसके मल्टीपल में आएंगे, 73 के में। जैसे ये 73 से 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो 3/5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28,800। ठीक है भैया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट है बेटा हमारा। आगे बढ़ते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि वर्टिकल एनालिसिस। बेटा ये है ना, वर्टिकल कॉमन साइज होता है, कॉमन साइज एनालिसिस हमेशा क्या होगा, स्टैटिक एनालिसिस होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डायनेमिक होता है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो कॉमन साइज हमेशा कैसा होगा बेटा, स्टैटिक एनालिसिस होगा। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहे बेटा, इसमें आलस ना करें, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज, ये तो बेटा ये लिखा हुआ है ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और कहा जाता है, ये तो रट लो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। और इस तरह से आपका आज का काम यहां पर कंप्लीट है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गई बात, बहुत बहुत बधाई। चलिए तो फिर मैं आज हम अनाउंस करते हैं इस टेस्ट नंबर 7 के टॉपर्स कौन कौन है, कीजिए वेट कीजिए थोड़ा सा, भी अनाउंस करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो हमारे आज के जो स्टार्स हैं उनके बारे में अभी अभी आपसे कहा, डिक्लेयर करते हैं बेटा। तो आज के स्टार को देखकर ना मुझे दिल से बड़ी खुशी है। कारण क्या है कि अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इनके 20 में से 19 इन लोगों ने स्कोर किया है। तो आज के हमारे स्टार्स, आप सभी बच्चे इनके लिए तालियां बजाएंगे, ये जो खुद है ना ये भी अपने लिए सारे बच्चे तालियां बजाएंगे। तो हमारे आज के पहले स्टार रैंक 1 अचीव करने वाले 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है पवन सोनी, सेकेंड सार्थक अग्रवाल, थर्ड अदिति।
सभी के लिए, इन सारे बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और रैंक टू अचीव करने वाले बच्चे हैं भव्या अग्रवाल एंड खुशी, वेरी गुड, इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत तालियां। और रैंक थ्री अचीव करने वाले बच्चे हैं लक्ष्य एंड हर्ष, आप सबको ये फोटो दिखाई दे रही है, इनके नाम दिखाई दे रहे हैं, डेली आपको यहां पर नाम दिखाई देते हैं, जल्दी ही आप लोगों का नाम भी यहां पर होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए। बेटा मेहनत करते रहो, लगे रहो। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।